بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students, in the previous class we had successfully completed the topic of photosynthesis and in that topic we have studied about the phases of photosynthesis and limiting factor of photosynthesis and the previous class we have studied about the dark reaction of photosynthesis and limiting factor in photosynthesis. Today we are going to start a new topic and the name of the topic is respiration. Respiration, this is not a new term for you. ये जो टॉपिक है आज का respiration, ये आप लोगों के लिए नया तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं. आप इसकी डेफिनेशन बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, आपने 6th क्लास से इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, 7 में भी इसके बारे में क्या काफी हद तक पढ़ा है. तो जो पिछला आप पढ़ चुके हैं उसे जहन में रखिएगा और आज उसके बारे में कुछ एडवांस चीजें पढ़ेंगे. ये टॉपिक आपकी किताब में पेज नंबर 128 और 129 पर मौजूद है. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक रेस्पिरेशन का, ये आपकी किताब में पेज नंबर 128 एंड 129 पर मौजूद है. सो ओपन योर बुक्स and put out your highlighters and pencil to note down the important point and the meaning of the new terms. Let's start. Today our topic is respiration, and I said earlier that the term respiration is not new for you. ऐसा ही है ना, ये आपके लिए कोई नई चीज तो नहीं है ना. इससे पहले आप रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते रहे हैं और एक तस्वीर आप बनाया करते थे जिसमें लंग्स बने हुए होते थे और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बना हुआ होता था, याद आया. लेकिन अब जो हम ये 9th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं ना, ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उससे थोड़ा सा एडवांस है. सही, आप जो पहले रेस्पिरेशन पढ़ते आए हैं वो दरअसल आपने एक अपनी क्लास के लिहाज से डेफिनेशन पढ़ी है. अभी जो अब सही डेफिनेशन है, मतलब जो एडवांस डेफिनेशन है, वो है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इससे पहले आप ये भी पढ़ते रहे हैं कि रेस्पिरेशन में सांस लेने का अमल भी शामिल है, यानी गैसेस एक्सचेंज. याद कीजिए, आपने 7th क्लास में बहुत तफसील से इसके बारे में पढ़ा था. तो बुनियादी तौर पर रेस्पिरेशन के दो स्टेप्स हैं, दो स्टेजेस हैं. पहली जो या फर्स्ट स्टेज जो है वो कहलाती है ब्रीथिंग. ओके, ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेने का अमल, ऑक्सीजन गैस या एयर को अंदर ले जाना और एयर को बॉडी से बाहर लाना, जिसके दौरान ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है. और इसका दूसरा स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हिच इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, जो सेकेंड स्टेप है रेस्पिरेशन का सेलुलर रेस्पिरेशन, वो एक्चुअल रेस्पिरेशन है. सही, इससे पहले जो आपने पढ़ा है वो ब्रीथिंग और गैस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा है. तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो एक्चुअल रेस्पिरेशन है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन. इसे सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेल में होती है. और सेल में किस जगह पर, कौन से ऑर्गेनिल में रेस्पिरेशन का अमल होता है, याद कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया. ये पढ़ चुके हैं ना आप, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का अमल होता है. ओके, आज हम इसके बारे में जो नया पढ़ने जा रहे हैं अब वो शुरू करते हैं. ये डेफिनेशन भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. वो अमल जिसमें फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है या ऑक्सीडाइज किया जाता है और उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है. नई चीज क्या है, types of respiration, this is a new topic for you. There are two types of respiration. Number one, anaerobic respiration, and the second one is aerobic respiration.
How many types of respiration are there? There are two types of respiration. Number one, anaerobic respiration, and number two, aerobic respiration. Okay? तो रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एरोबिक रेस्पिरेशन. आज हम बात करने जा रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में और इसका सेकंड नेम है फर्मेंटेशन. व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन? फर्मेंटेशन. ओके, तो देखते हैं कि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और इसमें किस तरह फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी बनाई जाती है. सही, ये बात ध्यान में रहे कि रेस्पिरेशन एनएरोबिक हो या एरोबिक हो, दोनों का मकसद क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी बनाना. ओके, और उसके नतीजे में और साथ साथ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नॉर्मली यही बनता है, लेकिन कहीं कहीं इसमें फर्क भी है. ओके, तो बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और कौन से ऑर्गेनिज्म में और कब कब यह अमल होता है. बहुत तवज्जो से सुनेंगे और अपने पास नोट डाउन भी करेंगे. अब हम पेज नंबर 129 पर मौजूद हैं, वहां आप देख लें हेडिंग बनी हुई है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक ऐसी रेस्पिरेशन को कहते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन टेक प्लेस होती है. द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की वो टाइप जो ऑक्सीजन के बगैर वकू पजीर होती है, उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इसीलिए मैंने यहां ब्रैकेट में लिख दिया मुख्तसरन विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बगैर एनर्जी बनने का अमल होता है. कौन सी रेस्पिरेशन में? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में. एनएरोबिक रेस्पिरेशन या सेकंड नेम क्या बताया मैंने? फर्मेंटेशन. इसकी मजीद दो टाइप्स हैं, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की या फर्मेंटेशन की टू सब टाइप्स हैं. नंबर वन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड नंबर टू एसिडिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एसिडिक फर्मेंटेशन. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन. नंबर वन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड नंबर टू एसिडिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसके जो नाम को आप देखें तो इसका नाम उस प्रोडक्ट के ऊपर रखा गया है जो इसमें तैयार होता है. सही, लुक एट द इक्वेशन ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसके नतीजे में क्या बनता है? इथेनॉल, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम एनर्जी. ओके, इथेनॉल. इथेनॉल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो आप समझते हैं ना. इथेनॉल नया लफ्ज है. इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल और इथेनॉल इज एन अल्कोहल. ओके, ये एक अल्कोहल है जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नतीजे में बनता है. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन और उसके नतीजे में अल्कोहल और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की थोड़ी सी मिकदार बनती है. तो क्योंकि इस एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ओके, समझ में आया? ये इसकी जो है वो डेफिनेशन इक्वेशन लिखी हुई है फॉर्मूला के हिसाब से. ग्लूकोज और ये इथेनॉल का फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड है एटीपी. ओके, तो ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अमल है ये
कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है और कब होता है? ये बैक्टीरिया एंड फंगाई में होता है। ओके याद रहे, यहाँ बोर्ड पर जितनी बातें लिखी हुई है ना, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये तमाम चीजें आप हाईलाइट करते जाएं, ये आपकी ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। ओके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बनता है? अल्कोहल या इथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करें इसे। उसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है? बैक्टीरिया में और फंगाई में। ओके हर वक्त नहीं होती, वैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एनएरोबिक ही होते हैं, लेकिन बास एरोबिक बैक्टीरिया में भी यह होता है कि ऑक्सीजन अगर मौजूद नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अमल होता है और उसके नतीजे में एनर्जी बनती है, सही, और उसके साथ साथ अल्कोहल बनता है। ये समझ में आ गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, इथेनॉल। ओके अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, एसिडिक फर्मेंटेशन। इसका नाम भी उस प्रोडक्ट के नाम पे रखा गया है जो इस एनएरोबिक रिस्पिरेशन में बनता है, सही। क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है और उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। ये एक केमिकल है और इसके साथ साथ क्या बनता है? और उसके साथ साथ कुछ मिकदार में एनर्जी बनती है, सही। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा है, लैक्टिक एसिड। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से इस टाइप का नाम क्या रखा गया है? एसिडिक फर्मेंटेशन। ओके तो इसे भी हाईलाइट करें अपने पास कि एसिडिक फर्मेंटेशन में कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड? C3H6O3। ओके दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड और इसके नतीजे में भी थोड़ी सी एनर्जी बनती है, सही। अब दूसरी बात, एसिडिक फर्मेंटेशन का अमल कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है और कब होता है? तो एसिडिक फर्मेंटेशन का अमल एनिमल्स में होता है। कौन से ऑर्गेनिज्म में? एनिमल्स में। एनिमल्स तो एरोबिक होते हैं, यानी उनमें तो एरोबिक रिस्पिरेशन का अमल होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। हम भी एनिमल्स है ना, हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है फूड एनर्जी बनाने के लिए। तो ये कब होता है एसिडिक फर्मेंटेशन का अमल? तमाम एनिमल में ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी बनाई जाती है, लेकिन जब एमरजेंसी कंडीशन हो, एरोबिक रिस्पिरेशन के जरिए रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो, तो उस वक्त बॉडी में सर्वाइवल के लिए, जिंदगी की बका के लिए एनिमल की बॉडीज में एनएरोबिक रिस्पिरेशन का अमल होता है। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन की कौन सी टाइप होती है? एसिडिक फर्मेंटेशन। ओके मिसाल के तौर पर जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं, तो बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और हमारे मसल्स में एक वक्त ऐसा आता है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगती है और एनर्जी की शॉर्टेज होने लगती है ऑक्सीजन कम होने की वजह से, तो उस वक्त वहां मसल्स में एसिडिक फर्मेंटेशन का अमल शुरू हो जाता है, यानी विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो समझ में आ गया आपको एनएरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन का अमल कितनी टाइप्स पर मुश्तमिल होता है? टू टाइप्स पर मुश्तमिल होता है, नंबर वन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड नंबर टू एसिडिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो अमल है उसमें क्या बनता है? इथेनॉल, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है एनर्जी वो भी बनती है, और ये किसमें होता है? बैक्टीरिया और फंगाई में होता है अमल। और एसिडिक फर्मेंटेशन का अमल इसमें क्या बनता है? इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, और ये अमल कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? ये एनिमल्स में होता है एमरजेंसी कंडीशंस में। तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ एनएरोबिक रिस्पिरेशन।
कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत क्या है, सही इंपॉर्टेंस के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि क्या अहमियत है। एक अहमियत तो मैं आपको बता चुका हूं, शायद आपने उसको नोट ना किया हो, वो ये कि जब बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो, ऑक्सीजन की मकदार कम हो, तो उस वक्त एनएरोबिक रेस्पिरेशन काम आती है भाई जिंदगी बचाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है ना एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, सही। मैंने बताया ना कि एनिमल में भी ऐसा होता है, इमरजेंसी कंडीशंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अमल शुरू हो जाता है, ओके। और इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी एडवांटेजेस क्या है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के, तो देखिए इसका एक फायदा तो ये है कि इससे इथेनॉल बनता है यानी अल्कोहल, और इसे बाकायदा बैक्टीरिया और फंगाई को बाकायदा विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करवाया जाता है ताकि वो अल्कोहल बनाएं। बीइंग मुस्लिम हम लोग अल्कोहल यूज नहीं करते पीने के लिए, हमारे यहाँ हराम है, लेकिन दुनिया में और मजाहब भी तो मौजूद हैं जो इसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल को। और इसके अलावा अल्कोहल मेडिसिन में भी इस्तेमाल होते हैं, दवाओं में इस्तेमाल होते हैं, ओके। डिसइंफेक्टेंट के तौर पर अल्कोहल इस्तेमाल होते हैं। अभी पिछले दिनों जो ये जो वबा चल रही है आजकल कोरोना वायरस, इसमें सैनिटाइजर जो बनाए जा रहे हैं तो सैनिटाइजर की प्रिपरेशन में अल्कोहल इस्तेमाल होता है, तो अल्कोहल की जो है वो मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है। तो बैक्टीरिया और फंगाई को ग्रो करवाया जाता है एनएरोबिकली ताकि वो अल्कोहल बनाए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाई जाए ताकि अल्कोहल बने और उससे इकोनॉमिकल फवायद हासिल किए जाते हैं, उसे फरोख्त किया जाता है, सही। तो ये एक और इम्पोर्टेंस है। और उसके अलावा एक हमने आपको बता दी कि ईजी सर्वाइवल, यानी जब ऑक्सीजन की कमी हो तो विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी बनना शुरू हो जाती है और जिंदगी बरकरार रहती है, ठीक है। इसी तरह इंसानों में भी इसका फायदा है, सही। जब हार्ड एक्सरसाइज आप कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन कम होती है तो मसल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो मसल्स में एसिडिक फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, एनर्जी मिल जाती है। लेकिन वहां इसका एक नुकसान भी है, ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में पेन क्रिएट करता है और फटीक प्रोड्यूस करता है। फटीक मतलब होता है दर्द, सॉरी फटीक का मतलब होता है थकन और पेन का मतलब होता है दर्द। तो लैक्टिक एसिड एनर्जी तो बना देता है, लैक्टिक एसिड बनता है एसिडिक फर्मेंटेशन से, एनर्जी तो बनती है, लेकिन उसके साथ साथ थकन भी होती है और मसल्स में पेन भी शुरू हो जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंस में शामिल है, सही। इंपॉर्टेंस में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों शामिल होते हैं। तो इसका फायदा ही ये कि एनर्जी बनती है विदाउट ऑक्सीजन इमरजेंसी कंडीशन के लिए, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि लैक्टिक एसिड की वजह से पेन यानी दर्द और फटीग हो जाते हैं, मसल्स थक जाते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक कमर्शियल उसकी जो है वो इंपॉर्टेंस है, उसके जरिए अल्कोहल प्रोड्यूस करवाया जाता है जो मेडिसिन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और इजी सर्वाइवल है, आसानी से जो है वो एनर्जी बन जाती है विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि लैक्टिक एसिड की वजह से पेन क्रिएट होता है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग गुफ्तगू करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आज का काम क्या है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, ये सब आप अपनी किताब में हाईलाइट करेंगे और याद करेंगे, सही। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।